क्या मुंह लटकाए बैठी हो? वो ठीक है? वो ठीक नहीं है, नहीं है वो ठीक। आइलीन, अब ऐसी बातें करके तुम उसके लिए कुछ कर सकती हो? यही तो, उसकी होकर भी मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। क्या करना चाहती हो बताओ। पता नहीं क्या करूं, बस मैं चाहती हूं कि उसको सुकून आ जाए। आइलीन, वो जो भी कर रहा है उसे करने दो, उसे सवाल मत पूछो। मैं कहां सवाल करती हूं, कोई सवाल नहीं किया मैंने उससे। मैं तो खुद इतनी परेशान कंफ्यूज बैठी हुई हूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, और किसी से मैं बात भी नहीं कर सकती हूं। है? क्या मतलब कोई भी नहीं बात करने के लिए? मैं हूं, तुम मुझसे सारी बातें कर सकती हो। पागल लड़की, आखिर दोस्त होते किस लिए? और मैं इस दीवाने को जानता हूं अच्छी तरह से, इसके साथ जब भी कोई मसला होता है ना, इर्द गिर्द सबको भूल जाता है। मुझे भी भूल जाएगा। देखो आइलीन, ये जो पेंडोरा बॉक्स जो खुला है ना, जिंदगी कहाँ जाएगी यहां से, नो वन नोज। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ है बारिश को? आप ये भी पूछ सकती हैं कि कैसा है वो? आइलीन, हम खानदानी लोग हैं, शरीफ लोग हैं, और इस तरह के तमाशे? ये तमाशा लग रहा है आपको? ये तमाशा नहीं है, वो मेरा शौहर है और वो बहुत मुश्किल में है। और उसके मसले की वजह से हम जिस मुश्किल में पड़े हुए, उसका कुछ अंदाजा है तुम्हें? पता नहीं क्या किया है उसकी माँ ने, कुछ बताया उसने तुम्हें? चोर है, कातिल है या डकैत? हमारे खानदान का नाम खराब हो रहा है, तुम्हारे अब्बू शदीद गुस्से में है। अभी तो मैंने उन्हें रोका हुआ है, वरना उनका बस चले ना तो एक मिनट में तुम्हें घर लाके बिठा दें। आप लोग पागल हो गए हैं? मैं बारिश को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आप लोगों को नहीं मिलना ना मिले। आंटी आइलीन, ये कोई जगह नहीं ऐसी बातें करने के लिए। तुम चुप रहो, हम माँ बेटी का मामला है, हमारे बीच में मत बोलो। सॉरी आंटी, लेकिन मुझे आइलीन की इज्जत का ख्याल है और ये जगह मुनासिब नहीं है। ठीक है आइलीन, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन लो। जिस दिन तुम्हारे अब्बू को पता चल गया ना कि बारिश की माँ ने क्या किया है, वो किसी की नहीं सुनेंगे। और आप भी जाते हो, मेरी एक बात सुनना, अगर मेरे साथ अब्बू ने या किसी और ने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान तो दे दूंगी, लेकिन बारिश को नहीं छोड़ूंगी। ओह मेरे खुदाया, बहुत जिद्दी लड़की हो तुम। आंटी, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन वो भी बहुत परेशान है, उसे प्लीज फोर्स मत करें, अभी वक्त तो दें। कभी कभी वक्त के साथ साथ सब कुछ वैसे ही हो जाता है जैसे हम चाह रहे होते हैं।